हेलो फ्रेंड, ए के इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं पनासोनिक कंपनी का डबल डोर फ्रिज है जिसमें पीसीबी लगा हुआ है। इसको हम चेंज करके टाइमर लगाएंगे और टाइमर से चलाएंगे इसको, पीसीबी हटा देंगे। तो इसको हम खोल देते हैं, पहले पीसीबी को खोल देते हैं और आपको बता देते हैं कैसे कैसे कनेक्शन करना है इसका। इसका जो पीसीबी में फैन और लाइट जो है डीसी में हैंडल हो रहा है, इसलिए फैन और लाइट का कनेक्शन पीसीबी को छोड़ देंगे, क्योंकि पीसीबी में फैन और लाइट चल रहा है, इसमें क्या हीटर का काम नहीं कर रहा। तो हम इसको फैन और जो लाइट है और डोर स्विच है उसका कनेक्शन छोड़ देंगे, उसका जैक जो है वो पीसीबी का छोड़ देंगे, बाकी कनेक्शन जो है नया से वायरिंग करेंगे। हम फ्रिज का डिफ्रॉस्ट फ्रिज का वायरिंग कैसे करते हैं हम अपना वीडियो में बनाए हैं, आपको लिंक दे देंगे। और हम इसका जो वायरिंग कर दिए आपको वीडियो, हम उतना लंबा हो रहा था इसीलिए दिखलाया नहीं था। अभी इसका जो है वायरिंग हो गया, तो जो चालू किए हैं अभी इसका कंप्रेसर भी चल रहा है, आप इसको लगा सकते हैं। आपको क्या है, सेंसर जो है सेंसर हटा देना है, सेंसर के जगह में आपको थर्मोस्टेट का कनेक्शन दे देना है। और इसमें बायोमेटल नहीं दिया था पानासोनिक कंपनी का, तो बायोमेटल लगा देना है। और फ्यूज दिया था, हीटर भी था इसमें जो है कनेक्शन। इसका जो फ्रीजर है वो दिया है इसका नीचे साइड में, पानासोनिक कंपनी में नीचे में ही देता है। इसका पीसीबी मिल नहीं रहा था जिससे हम इसको लगाए, जैसे देखिए ब्लू वाला जो है मेन लाइन है, येलो वाला जो है इसमें टाइमर जो हम लगाए हैं 8 घंटे वाले टाइमर लगाए हैं, और 7 मिनट जो हीटर को चलाएगा डिफ्रॉस्ट करेगा, बाकी सब सही चल रहा है इसमें। इसमें वायरिंग करना पड़ा नया से, वायरिंग करने का हम डायग्राम आपको दिखला भी दे रहे हैं और ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जा कर के इसका कनेक्शन अच्छा से समझ सकते हैं। पानासोनिक कंपनी का 4-स्टार फ्रिज है। आप कोई भी फ्रिज का जिसमें पीसीबी लगा हो, जो कंप्रेसर आपका इन्वर्टर फ्रिज ना हो, उसको आप कनेक्शन कर सकते हैं। जिसमें भी पीसीबी लगा उसको आप हटा करके वहाँ टाइमर लगा सकते हैं, बस वायरिंग करना होगा। थोड़ा सा हो सकता है वायर भी उसमें डालना पड़े, किसी किसी में वायर नहीं रहता है, हीटर का तो वायर रहेगा लेकिन आपका थर्मोस्टेट का किसी में नहीं देता है, किसी में देता है। तो अगर दिया है तो उसी से वायरिंग हो जाएगा, नहीं दिया है तो आपको डालना पड़ेगा। प्लस बायोमेटल भी नहीं देता है किसी में जो जिसमें पीसीबी से हैंडल होता है उसमें बायोमेटल नहीं देता है, क्योंकि उसका जो है सेंसर से ही काम कर जाता है ठंडा करने का। आप ऐसे करके टाइमर लगा सकते हैं, और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हम बतलाने वाले हैं इसके बारे में। देखिए जैसे हम इसका जैक काट दिए हैं, जो एक्स्ट्रा जैक था, और पीसीबी में केवल हम पावर दिए हैं। जैसा कि आपको बताए थे कैसे वायरिंग करना है, हम बता देते हैं। ये मेरा पहले जो बनाया था इसमें सारा वायरिंग किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो है एसी वायरिंग है, पूरा फुल एसी वायरिंग। इसमें आपको डीसी को ही कनेक्शन नहीं है, आपको हम जो पीसीबी और जिसमें टाइमर लगाए उसका पीसीबी से भी कुछ हैंडल कर रहे हैं। पीसीबी से हम उसका फैन लाइट और ये इसका जैक रहने दिए हैं, डोर स्विच का ये सारा का। अब उसमें पावर दे दिए हैं, तो पहले हम पावर लिए हैं जो थर्मोस्टेट में ले गए हैं, सीधा ऊपर थर्मोस्टेट में दे दिए हैं, जो अंदर में थर्मोस्टेट देना है उसमें दे देना। और ई वाला इसका आउट जो कराए हैं वो 3 नंबर में दिए हैं, 3 नंबर टाइमर में। 3 नंबर टाइमर जो आउटपुट जो लेना है वही एक आउटपुट इसी में से कॉमन निकाल देना है, ये पीसीबी के लिए निकाल देना, ठीक है दोस्तों। ये फेज पावर के लिए हो गया। अब दूसरा नंबर बचा न्यूट्रल, न्यूट्रल को आपको सीधा ले जाना है, एक तो पहले पीसीबी में दे देना है, और दूसरा नंबर जो लाना है वो सीधा बायोमेटल फ्यूज में ले जाना है, फ्यूज से होते हुए हीटर में ले जाना है, डिफ्रॉस्ट हीटर में ले जाना है। हीटर का आउटपुट जो निकलेगा उसको टाइमर का 1 नंबर पॉइंट में ले जाना है न्यूट्रल, ठीक है। अब टाइमर का जो काम है वो 8 घंटे का, किसी में 9 घंटे का, जितना टाइम कभी रहे वो कभी फ्रिज को चलाए कंप्रेसर को 8 घंटे चलाएगा, और 12 मिनट जो या किसी में 8 मिनट, किसी में 7 मिनट, किसी में 6 मिनट, कुछ भी दे वो हीटर को चलाएगा। तो हम क्या किए हैं,
चार नंबर जो है एक जो है पावर और सीधा ले गए कंप्रेसर में दे दिए, कंप्रेसर में दे दिए। और दो नंबर जो है उसको हम बाई मेटल से लेकर के हीटर का एक और जो पॉइंट था उसी में दोनों वायर को सटा दिए। अभी इसका जो दो नंबर है इसको बाई मेटल के थ्रू दे दिए। जैसे टाइमर ये थर्मोस्टेट कटअप भी करा देगा, कटअप जैसे कराएगा टाइमर काम करना बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए चलते चलते ज़्यादा आइस हो गया तब इसका बाई मेटल ऑन होगा, बाई मेटल ऑन होगा फिर जैसे इसका टाइम होगा हीटर चालू कराएगा, हीटर चालू कराएगा आइस कम हो जाएगा। अब बाकी इसके ठंडा का आप सेटिंग करने का इससे कर सकते हैं। और पीसीबी से अपना ये डोर स्विच सारा कनेक्शन रहेगा ही, बाकी सब जितना जैक सब है उसका को आप टिप मार के छोड़ दीजिए। और इसका जो टाइमर है अलग जगह में बैठाना होगा। कंप्रेसर का दो वायर होता है दोनों को कनेक्ट कर देना, और कुछ तो है नहीं इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। किसी भी कंपनी के फ्रिज में लगा सकते हैं जिसमें पीसीबी दिया हो जो एसी से कंप्रेसर चलता हो, इन्वर्टर फ्रिज ना हो। इन्वर्टर फ्रिज का भी हम बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है। इन्वर्टर फ्रिज का आने से हम उसका भी आइडिया देंगे आपको कैसे करके चेक करना है कंप्रेसर वगैरह सब कुछ।